कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। सरकार ने बातचीत के न्योते की जो चिट्ठी रविवार रात भेजी थी उसका जवाब किसान आज देंगे। इधर कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान हमारे प्रपोजल में जो भी जोड़ना घटाना चाहे हमें बता दे, हम उनके सुविधा के दिन और समय पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि किसान संगठन हमारी अपील पर विचार करेंगे और जल्द समाधान निकलेगा। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि हम 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती क्योंकि उनके मन में खोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों के किसानों से बात करेंगे। ये चर्चा पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने के इवेंट के दौरान होगी। टिकारी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान ने कहा, किसान दिवस पर मैं मोदी सरकार को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि कृषि कानूनों को वापस लेकर हमें आज ये गिफ्ट में दे, क्योंकि आज का किसान पढ़ा लिखा है, उन्हें इनके कानूनों के बारे में पता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल की प्रमुख ममता बनर्जी के निर्देश पर उनकी पार्टी के 5 सांसदों ने सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात की। इनमें डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, प्रतिमा मंडल और मोहम्मद नदीमुल हक शामिल थे। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति से दखल की मांग की है। 24 दिसंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता 2 करोड़ किसानों के साइन वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपेंगे। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है, वहां रोज 11 किसान 24 घंटे के उपवास पर बैठ रहे हैं। यह सिलसिला सोमवार से चल रहा है। आज किसान दिवस है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। राजनाथ ने कहा कि किसान देश को खाद्य सुरक्षा देते हैं। कुछ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता से बात कर रही है। उम्मीद है कि वे जल्द आंदोलन खत्म करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।